डीसीपी जोन 5 मनीष कलवानिया के निर्देश पर गश्त दल द्वारा कलमना थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से लाई जा रही सड़ी सुपारी से भरा ट्रक पकड़ा गया। इसके बाद ट्रेंडिंग कंपनी के गोडाउन पर छापेमारी में भी पुलिस को बड़ी मात्रा में सड़ी सुपारी मिली। इस प्रकार पुलिस ने कुल 180 बोरे माल जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि पवन गांव टी पॉइंट पर एक ट्रक संदिग्ध रूप से खड़ा है, संभवतः उसमें सड़ी सुपारी हो सकती है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक की तलाशी की तो जानकारी सही साबित हुई। पुलिस को ट्रक में 100 बोरी सड़ी सुपारी मिली। हर बोरे का वजन 60 किलोग्राम था। इस प्रकार पूरे माल की कीमत अंदाजन 30 से 35 लाख रुपए आंकी गई। जांच में पता चला कि उक्त माल किसी जीबी ट्रेडिंग कंपनी का है, जिसका संचालक कोई फारूक है। इसके बाद पुलिस ने जीबी ट्रेडिंग कंपनी के गोडाउन पर भी छापा मारा। यहां से 30 बोरी सुपारी का पूसा समेत करीब 80 बोरी सड़ी सुपारी जब्त की गई। पुलिस ने एफडीए विभाग को सूचित कर आगे की कार्रवाई सौंप दी। सायंकाळी 7:30-5:30 वाजेच्या सुमारास माननीय पोलीस उपायुक्त झोन 5 सर यांच्या पथकातील एपीआय पिसे व अंमलदार हे कळमना पोस्ट हद्दीमध्ये पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना पवनगाव टी पॉइंट येथे एक सुपारीने भरलेला ट्रक मिळून आला। त्यांनी सदर ट्रकची पाहणी केली असता त्या ट्रकमध्ये 100 बोरी प्रत्येकी 60 किलोची सुपारी असल्याचे व सदरची सुपारी ही सडकी असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले। त्यानंतर त्यांनी सदर माला सुपारीच्या मालकाबाबत विचारणा केली असता जीबी ट्रेडर्स फारूक भाई यांचा तो माल असल्याचं माहिती प्राप्त झाली। त्यानंतर त्यांनी सदरची माहिती आम्हाला पोलीस स्टेशन कळमना येथे देऊन आम्हाला घटनास्थळावर बोलावून घेतले। त्यानंतर त्यांनी पुढे जाऊन पुन्हा जीबी ट्रेडर्स यांच्या गोडाऊनवर पुन्हा जाऊन पाहणी केली असता त्या ठिकाणी सुद्धा काही सुपारीचा माल त्यांना मिळून आला। त्यानंतर अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री माटोदकर यांच्याशी संपर्क करून त्यांना घटनास्थळावर बोलावण्यात आले व त्यांच्या समक्ष त्यांनी स्वतः ट्रकमध्ये मिळून आलेल्या 100 बोरी तसेच गोडाऊनमध्ये मिळून आलेल्या 80 बोरी सुपारी, बारीक सुपारी 30 बोरी आणि भुसा 49 बोरी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।